बिना मैच खेले ही ऋषभ पंत ने तोड़ दिया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, देखते रह गए दिग्गज क्रिकेटर। ऋषभ पंत ने ऐसा क्या किया कि सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट जगत तक मच गया कोहराम। 400 दिन क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद हासिल किया ये मुकाम, पीछे रह गया टीम इंडिया का कप्तान। एक बार फिर ऋषभ पंत ने ऐसा कमाल कर दिया है जिसकी वजह से सोशल मीडिया से लेकर सभी जगह छाए हुए हैं। ऐसा कारनामा कर दिया कि रोहित शर्मा जैसा दिग्गज कप्तान भी पीछे रह गया। ऋषभ पंत ने क्या किया है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ हम आपको बारीकी से रिपोर्ट में बताने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऋषभ पंत ने जो उपलब्धि 400 दिन क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद हासिल की है, और रोहित शर्मा लगातार टीम इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं और वो कप्तानी भी कर रहे हैं। कप्तानी के साथ साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी से हर दिन इतिहास रच रहे हैं। बावजूद इसके ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा को पीछे कर दिया। ऋषभ पंत ने ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, ये पूरी तरह सच है। ऋषभ पंत भले ही 400 दिन से क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन ICC टेस्ट रैंकिंग में उनका नाम पूरी दमदारी से मौजूद है। ICC ने 6 फरवरी को ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में ऋषभ पंत एक स्थान ऊपर पहुंच गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। ICC की ताजा रैंकिंग में बैटर्स की लिस्ट में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन नंबर 1 पर बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक बनाया था। उनके 864 रेटिंग पॉइंट्स हैं। स्टीव स्मिथ 818 दूसरे और जो रूट 797 तीसरे नंबर पर है। बैटर्स की इस लिस्ट में टॉप 10 में सिर्फ एक ही भारतीय विराट कोहली हैं। कोहली 760 रेटिंग के साथ सातवें नंबर पर है। हैरान करने वाली बात यह है कि ICC की लेटेस्ट रैंकिंग में भारत के दूसरे नंबर के बैटर ऋषभ पंत हैं। वे 714 रेटिंग के साथ 12वें नंबर पर हैं। ऋषभ पंत के बाद रोहित शर्मा का नंबर आता है। रोहित को ताजा रैंकिंग में एक स्थान का नुकसान हुआ है। अब वे 702 रेटिंग के साथ 13वें नंबर पर हैं। बता दें कि पंत आखिरी बार दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। बाएं हाथ के इस बैटर ने साल 2022 में 7 टेस्ट मैच खेलकर 61.81 की औसत से 680 रन बनाए थे। उन्हें ताजा रैंकिंग में इसी प्रदर्शन का फायदा मिला है। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो पिछले 2 साल से ये बैटर अपनी छवि के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया है। हिटमैन के नाम से पॉपुलर रोहित शर्मा ने 1 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2024 तक 11 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने इन 11 टेस्ट की 19 पारियों में 38.33 की औसत से 690 रन बनाए हैं। इनमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल है। ICC रैंकिंग में तकरीबन 15 महीने के प्रदर्शन का असर पड़ता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भीषण दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके बाद ऋषभ पंत क्रिकेट के मैदान से दूर हो गए। पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बड़ा झटका लगा था। खासकर BCCI ने ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट के लिए बहुत प्रयास करता रहा और रिप्लेसमेंट नहीं हो पाया। बावजूद इसके ऋषभ पंत का क्रिकेट जगत में बोलबाला रहा। राहुल द्रविड़ की निगरानी में भारत की अंडर-19 टीम को अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर विश्व कप जीतने के बाद से ही क्रिकेट की दुनिया में ऋषभ पंत का दबदबा रहा है। भारतीय टीम में आने के बाद भी ऋषभ पंत के बल्ले से निकलने वाले रनों की रफ्तार कम नहीं हुई और उन्होंने एक के बाद एक तूफानी पारियां खेली। टीम इंडिया के साथ ही जब ऋषभ पंत को IPL में खेलने का मौका मिला तो उन्होंने IPL में भी अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा डाला और इसी के चलते सिर्फ कुछ ही सालों में ऋषभ पंत को दिल्ली की टीम का कप्तान बना दिया गया। दिल्ली की टीम का कप्तान बनने के बाद ऋषभ पंत IPL में दिल्ली की किस्मत बदलने में लगे थे, लेकिन इसी बीच हुए एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी और क्रिकेट की दुनिया में तेजी से तरक्की और बढ़ते हुए उनके कदम अस्पताल की ओर बढ़ गए और क्रिकेट की दुनिया में उनकी तरक्की की रफ्तार रुक गई।